छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई कर एक आरोपी को पकड़ा गया है। पुलिस कंट्रोल रूम में आज एसपी लखन पटले ने प्रेस वार्ता लेकर कहा है कि आरोपी सुनील निषाद के पास एक देसी पिस्टल बरामद कर आरोपी को पकड़ने में कामयाबी मिली है। वहीं आरोपी पूर्व में भी हत्या के प्रयास की 3 प्रकरण में जेल की सजा काट चुका है। आगामी विधानसभा को देखते हुए पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए स्टेट हेड सनी वर्मा की रिपोर्ट। थाना कोतवाली अंतर्गत एक फायर आर्म्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जो जिसका नाम है सुनील निषाद, ये शांति नगर क्षेत्र का रहने वाला है, एक फायर आर्म्स लेकर घूम रहा है, जो देसी पिस्टल के को लेकर घूम रहा है। इस सूचना पर पुलिस की टीम वहाँ रवाना हुई, उसको घेराबंदी करके पकड़ा गया। उसके पास से एक देसी पिस्टल बरामद किया गया है और इसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और इसको गिरफ्तार करके आज न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। इसका पुराना रिकॉर्ड भी चेक किया गया। ये 3 प्रकरण जो 307 के हैं, हाफ मर्डर के केस हैं, इसमें जेल जा चुका है। इसके अलावा भी अन्य मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया है। ये मूल रूप से दुर्ग पंचशील नगर का रहने वाला है, हाल में यहाँ पर आकर रह रहा है और इसका एक घर भी है यहाँ पर। तो इस प्रकार से इसके ऊपर निगाह लगातार पुलिस रख रही थी और इसको सूचना मिली, इस आधार पर आज इसको पकड़कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।